जय गुरु जी। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि गुरु जी ने मुझे तो थोड़ा विश्वास दिला दिया कि गुरु जी कौन है। गुरु जी महाशिव। रमा बैल आंटी से मुझे पता चला कि तुम्हें मुझ गुरु जी पे विश्वास नहीं है, तो तुम अपने परिवार वालों को कैसे विश्वास दिलाओगे। तो उसके बाद गुरु जी ने मुझे कैसे विश्वास दिलाया था, मैं मंत्र जाप किया और उसी दिन गुरु जी ने मुझे उसी लोटे प्रसाद में ओम दर्शन दिया। अब जब मेरा ये चीज हुआ, ओम दर्शन हुआ, तो सबसे बड़ा ख्याल आया कि अब मैं अपने इस चीज को मैं अपने घर वाले को बताऊं। जब मैं ये घर वाले को बताया तो सब लोग मेरा मजाक बनाने लगे। सब यही बोलने लगे क्या कि अब ये पागल हो चुका है, बाबा के चक्कर में पड़ा है, अब ये ऐसे ही करेगा, इसका लाइफ ऐसे ही चलते जाएगा। अब गुरु जी को 7 जुलाई का सत्संग तो गुरु जी ने घर पे करा दिया जैसे तैसे, कि गुरु जी ने अपना बर्थडे मनवा दिया। कि जैसे मैं बोला कि हाँ गुरु जी भगवान है तो आप लोग मान लो, कोई नहीं माना था हमारे घर में, किसी ने ही नहीं सोचा था कि ये महाशिव है और इनका गुरु जी का इतनी बड़ी कृपा है। मैंने बहुत सारे सत्संग भी सुनाए, जेत्रा अंकल का सत्संग, अलग अलग सत्संग, लेकिन गुरु जी का एक कड़ी होता है कि गुरु जी उस कड़ी को कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, पटना में गुरु जी ने सत्संग कराने का मुझे बताया कि इस दिन सत्संग कराना है। तो अब सत्संग कराना है, गुरु जी ने डेट डिसाइड कर दिया, मैंने अपने घर में भी बता दिया कि गुरु जी ने मुझे बताया है कि इस दिन सत्संग होना चाहिए। अब गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी की मर्जी है तो वो काम गुरु जी खुद पे खुद करवाते हैं, हम कोई नहीं है ये काम करने वाले, ये हमारे गुरु जी अपना काम सारा काम करवाते हैं और सारा इंतजाम वही करवाते हैं। संगत जी, आप नहीं इस चीज को विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि गुरु जी के पास अगर आप आते हैं तो विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु जी का ऐसा ही ब्लेसिंग्स है। कि मेरे भाई का बर्थडे, सौरभ अंकल का जन्मदिन पे गुरु जी ने सत्संग कराने का सोचा। मैंने अपने भाई को बोला, सौरभ अंकल को, कि सौरभ आज यहाँ पे सत्संग कराना, 9 दिसंबर को गुरु जी के पास सत्संग होना है। ये मैंने 2 महीने पहले बोला था, नवरात्रा के पहले, ये पहले से चल रहा था, गुरु जी बता रहे थे, मैसेज दे रहे थे, पूरा तो इनको कराना है। अब क्या हुआ, दिसंबर के पहले, अक्टूबर में शायद नवरात्रा था, उसमें ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि मेरा और मेरे पूरे घर वाले को दिमाग में ये चढ़ा दिया कि गुरु जी कौन है। अब सोचिए क्या चीज हुआ होगा, गुरु जी ने मेरे पापा और मम्मी, जो कि कभी भी, जो जुलाई से जब से मैं जुड़ा था उस समय से वो बिना मन के गुरु जी से का पूजा करते थे, वो बेसिकली पूजा करते थे दुर्गा माँ का। और इनको मैं बोलता था कि आप मंत्र जाप कम से कम कर लीजिए, तो वो बोलते थे हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, दुर्गा माँ का पूजा हो गया तो वही सबसे बड़ा। लेकिन गुरु जी अगर कुछ दिखाते हैं तो वो प्रैक्टिकल करके हमारे लॉजिकल दिमाग से ऊपर हमको बता देते हैं कि हमें क्या करना है, ये अपना मनवा देते हैं कि ये गुरु जी कौन है, गुरु जी महाशिव। ये कैसे हुआ, मेरे पापा नवरात्रा के फर्स्ट डे या सेकेंड डे, बड़ा सा स्वरूप है मेरे घर पे दुर्गा माँ का, उसमें आरती कर रहे थे। आरती करते करते क्या हुआ, उनको आरती करते करते ऐसा दिखाई दिया कि वो स्वरूप गुरु जी का स्वरूप में चेंज हो गया, पूरा गुरु जी का फेस बन गया और उस स्वरूप में शेषनाग ऐसे ऐसे करके, पूरा गुरु जी के स्वरूप में ऐसे ऐसे करके, जैसे होता है ना कि इस टाइप से वो कर रहा था शेषनाग, वो देख के दंग रह गए, वो आरती का थाली नीचे पटक के वो डर गए कि उनके साथ हुआ क्या, क्योंकि वो गुरु जी को तो मानते ही नहीं थे, मेरे फैमिली कोई मानता ही नहीं था। उसके बाद डर के वो मुझे फोन किए कि आज मेरे साथ ये चीज हुआ, आज नवरात्रा का सेकंड डे है और गुरु जी ने दुर्गा माँ में मुझे दर्शन दिया। अब सोचिए संगत जी, जिस संगत को
1% भी गुरु जी पे भरोसा नहीं, गुरु जी ने उसको कैसे भरोसा रखा है? तो इससे आप यही सोचिए कि गुरु जी के दरबार में हम किसी को जोड़ने वाले नहीं हैं, ये गुरु जी करते हैं, किसको बुलाना है, किसको अपने साथ जोड़ना है। ये कभी मत सोचिए क्या कि हम किसी को अपने साथ दरबार में लाते हैं तो वो उसी दिन जुड़ जाएगा। गुरु जी का ही कृपा होगी, गुरु जी की दया होगी, गुरु जी अपने साथ कब उसको जोड़ना है, कब उसका कल्याण करना है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी जानते हैं। तो आराम से अपना सारा दिमाग से कुछ भी निकाल दीजिए कि उसको क्या परेशानी है क्या नहीं है, गुरु जी को बोल दीजिए, गुरु जी आपको जो करना है इस संगत को आप कीजिए, मेरा यहाँ तक लाने का जिम्मेदारी था, मैं लेते आया हूँ और इनका कल्याण आपके ऊपर मैं छोड़ दूँ। अब रही बात कि पटना में गुरु जी ने सत्संग कैसे कराया। 9 दिसंबर का सत्संग का हुआ और मैं वहाँ पे 8 दिसंबर को पटना पहुँच गया। ये तो हुआ कि घर में सब कुछ हो गया और उसके बाद से नवरात्रा से सब लोग को थोड़ा 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 विश्वास होने लगा कि हाँ गुरुजी कुछ हैं, क्योंकि गुरुजी साक्षात दर्शन दे चुके थे माता रानी के रूप में। तो फिर आराम से सब कुछ चल रहा है। अब बात आए पटना के सत्संग में। अब पटना का जब सत्संग हुआ, 9 दिसंबर का पहला जब सत्संग हुआ, सारे पटने के लोग को, गांधी नगर में सबसे पहला सत्संग हुआ गुरुजी ने करवाया। वहाँ पे कम से कम अपने फैमिली केवल 3 संगत थी जो कि गुरुजी के बारे में थोड़ा जानती थी, मैं, मेरा भाई और मेरे भाई का एक फ्रेंड, और चौथा कोई नहीं था, मेरी बुआ थी जो कि गुरुजी के बारे में जानती थी लेकिन विश्वास कोई नहीं करता था। मैं बोला कि अब करना क्या है, उनको मैं बोला कि ये करना है, ऐसे ऐसे गुरुजी का दरबार सजाना है और गुरुजी का संगत को बुलाना है, शब्द वाणी चलाना है और गुरुजी का यहाँ पर। वो लोग बोले ठीक है, लंगर प्रसाद जैसे सत्यनारायण भगवान का पूजा वूजा करते हैं उनको लगा कि वैसे ही सब कुछ करना है, लेकिन मैं एक एक तरह से गुरुजी का आज्ञा से मैं सब कुछ उनको बताते गया और गुरुजी अपने थ्रू सारा काम करवाते गए। अब देखिए कैसे, सबसे पहले जब गुरुजी आते हैं सत्संग में, गुरुजी हमें बता देते हैं कि मैं तेरे घर पे जा रहा हूँ। कैसे, अब मैं एक इसका इंसिडेंट बता रहा हूँ। जब मैं इनके सत्संग करने का आज्ञा हुई थी, गुरुजी ने बताया था कि 9 दिसंबर 2014 को पहला सत्संग, बड़ा सत्संग होना है पटना में, तो गुरुजी वो खुद डिसाइडेड डेट गुरुजी का था, तो गुरुजी बता रहे थे कैसे। सबसे पहले जब मैं पेट्रोल भराने गया अपने गाड़ी में, तो वहाँ पे जो पेट्रोल भरते हैं वो मुझे 100 का नोट दिया। उस 100 के नोट में क्या था, स्टाम्प लगा हुआ था गणेश जी और लक्ष्मी जी। अब सोचिए संगत जी, आप लोग उस नोट पे गणेश जी और लक्ष्मी जी का स्टाम्प होना किस चीज को बताया जाता है। और वो नोट लेके मैं घर पे चला गया। मैं अपने भाई को, सौरभ अंकल को भी दिखाया कि देखो गुरुजी अपने पूरे परिवार के साथ सत्संग में आ रहे हैं। गुरुजी पहले से बड़ा सा स्वरूप भी दिलवा दिए थे बड़े मंदिर से, वो लेके मैं लेके आ गया सत्संग में, दरबार भी सजा, सब कुछ हुआ। और उस दिन क्या हुआ, दरबार में कुछ ईंटें हम लोग लगाए जो कि कभी भी ये नहीं सोच के लगाया था कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ चीज़ था। दरबार में कुछ नीचे में ईंटा लगाया गया, तो उस ईंटा को जब बाद में हम लोग जब देखते हैं, दरबार उठाते हैं, वो ईंटे पे रोज लिखा हुआ था। अब आप समझिए कि गुरु जी को रोज बहुत पसंद है और उस दरबार में गुरु जी अपना जैसे भी, जैसे एक होता है ना क्या कि एडजस्टमेंट करने का, उनका दरबार बनाने का, तो उस दरबार में गुरु जी ने वो रोज का भी अपना दिखा दिया। और उस दिन जो सत्संग हुआ, विश्वास नहीं करेंगे, गुरु जी ने पहली बार ही अपने स्वरूप में गणेश जी का दर्शन दे के, उस गणेश जी के दर्शन में से, उनके सूंड से वो अमृत वर्षा खड़ा, उनके सर से यहाँ पे पूरा का पूरा अमृत वर्षा 3 दिन तक लगातार होते रहा। जबकि टीका जो लगाया गया था गुरुजी का, वो सूखा हुआ टीका था,
सब लोग इस चीज को देखकर हैरान थे कि हुआ क्या। सब लोग को मैं बताया कि ये गुरुजी की कृपा है, और जो सारी संगत वहाँ पे आई थी, गुरुजी की कृपा ऐसी थी कि वहाँ पे टीवी, बड़ा सा एलसीडी लगाया गया, और वहाँ पे एलसीडी में जेथरा अंकल का सत्संग सबको सुनाया गया, कैंसर से रिलेटेड सत्संग, जो कि सब सुने, लेकिन गुरुजी को जिनको जोड़ने का था उनको जोड़े अभी भी, और गुरुजी की कृपा से ऐसा हुआ। आज उस समय 2014 में जितनी संगत थी, 10 20 40 20 30 जो संगत को बस बुलाया गया था, आज गुरुजी के कृपा से हर एक संगत में, सत्संग में 200 टू 300 संगत कहाँ से आ जाती है ये किसी को भी नहीं पता चलता। कम पड़ जाते हैं जगह कि सत्संग में बैठाने का जगह कहाँ है, सत्संग को पटना में करने का कम जगह पड़ जाता है, उसके लिए सारी संगत मिलके बड़ा सत्संग हॉल का अरेंजमेंट भी कर रही है। आज गुरु जी के कृपा से पटना में हजारों संगत हो चुकी है, और ये धीरे 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 बढ़ते ही जा रही है हर दिन, इससे पर से गुरु जी का कृपा है। यहाँ पे तो मैं अपना पटना का सत्संग कंप्लीट, पटना में संगत जब का सत्संग कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं अपने घर जमालपुर बिहार गया, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। वहां जाके जब सत्संग हुआ, वहां पे भी गुरुजी ने आज्ञा दिया था कि यहाँ पे इस दिन सत्संग होना है। ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी, क्योंकि गुरुजी किसी को कुछ बताते भी हैं। गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि 25th को करना है सत्संग। अब गुरुजी बोले, ये मेरा वहम था कि क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं घर में बस बोला कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, गुरुजी इतना सारे दर्शन दिए, क्यों ना पटना में सत्संग हुआ जमालपुर में भी सत्संग हो जाए। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, गुरुजी ने 25th दिसंबर 2014 को पूरा भव्य सत्संग कराया जमालपुर में, और गुरुजी ने ऐसा कृपा किया। मैं बोला अपने घर में कि गुरुजी जब सबका कल्याण करते हैं, क्यों ना मैं अपने सारे रिश्तेदारों को बोल दूं ताकि उनका सबका कल्याण हो जाए। मैं सबको फोन किया कि इस दिन गुरुजी का सत्संग है, और आप सबको जरूर आना है, घर पे आना है। सारे रिश्तेदार मेरे, मेरे बुआ, मेरे मामा, मेरे चाचा चाची, सब लोग, मेरे जो भी फैमिली मेंबर थे, मैं सबको फोन किया, और सारे लोग 24th ऑफ दिसंबर तक सब लोग पहुंच गए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि कुछ लोग मेरे ही घर के मुझे बोल रहे थे कि गौरव तुम तो ऐसा कर रहे हो कि यहाँ पे कोई शादी का माहौल बन गया है, और इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, जैसे होता है ना क्या कि यहाँ पे टेंट लगाना, इसको करना, ऐसे करना, ये सब क्या जरूरी था। मैं बोल रहा था कि गुरुजी ये आपका सब बोला हुआ है, ये आपको ही पूरा करना है। विश्वास करेंगे संगत जी, पैसे का इंतजाम, सारा चीज का इंतजाम गुरुजी खुद पे खुद करते गए, और गुरुजी 25th दिसंबर को बहुत ही प्यारा सत्संग करवाए। और उस सत्संग में करवाने के बाद गुरु जी ने बहुत सारे दर्शन दिए, पूरी में भी दर्शन, और जैसे गुरु जी का टीका में भी दर्शन, गुरु जी का फेस दर्शन, गुरु जी ऐसे ऐसे दर्शन दिए जो कि हर कोई देख के अचंभित हो गया। सब लोग यही बोल रहे थे कि ये कैसे गुरु जी हैं, ये कैसे भगवान हैं, कि जो आज तक हम लोग इतने भगवान को पूजते रहे, जो आज तक नहीं हो सका, वो आज इनके केवल एक सत्संग से ये सब चीज संभव हो रहा है, कि ये दर्शन कभी भी आज तक मेरे घर वाले कभी भी इस टाइप के दर्शन नहीं देखे थे। बहुत सारी संगत आई, घर परिवार के तो संगत आई, और पूरे समाज के लोग उस दिन गुरुजी के सत्संग में आए, गुरुजी सबको बुलाए। एक होता ना कि पूरा पार्टी टाइप का गुरुजी वहाँ पे सत्संग में बुलाए, जिसको किसी को भी कुछ नहीं पता था,
सब लोग को लगा कि हाँ चलो खाने का प्रोग्राम है वहां पे चलते हैं, लेकिन गुरु जी का ऐसी कृपा, गुरु जी उस दिन किस किन जिन जिन संगत को बुलाए, वो संगत तो अभी कुछ कुछ संगत तो आती ही है, और उस दिन बुला के गुरु जी लंगर प्रसाद खिला के किनका क्या कल्याण किया, सिर्फ और सिर्फ ये मालिक जानते हैं। और गुरु जी की कृपा ऐसी हुई, गुरु जी ने एक दिन फिर से मुझे फिर से बताया कि जमालपुर में हर एक साथ को सत्संग करा, और गुरु जी की कृपा से ये सिर्फ और सिर्फ संभव हो पाया 2015 शायद, हाँ 2015 के जनवरी से। गुरु जी का सत्संग हर साल हर मंथ 7 तारीख को लगातार चलते जा रहा है। उस दिन से अभी तक ये 7 जून को भी गुरु जी ने सत्संग कराया है। तो ये देखिए गुरु जी कैसे कैसे अपने पास बुला के लोगों का कल्याण करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु जी जानते हैं। और धीरे 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 गुरु जी सारे लोगों को जोड़ते गए। इसके बाद, इस सत्संग के बाद मैं अपने भाई सौरव अंकल का सत्संग सुनाऊंगा कि गुरु जी ने उनको कैसे न्यू लाइफ ब्लेस की।